लाहौल स्पीति के जहलमा में फंसे हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के ट्रैकरों को ड्रोन की मदद से किया रेस्क्यू। निशांशा में झूलापुर से रेस्क्यू किए गए। उधर भारी बारिश के बीच शनिवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से बड़ी दिल चट्टान सब्जियां ले जा रही पिकअप गाड़ी समेत इन वाहनों पर आ गिरी। सात मिनट के पास हुए इस भारी भूस्खलन से वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि वाहन सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से होने जा रहा शुरू। इसके हंगामेदार रहने के बाद है विधानसभा सचिवालय के पास 800 से ज्यादा सवाल पहुंचती है। कोविड काल में अव्यवस्था, बेरोजगारी, सड़कों की बदहाली, रिक्तियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के संकट, आर्थिक बदहाली, कृषि, परिवहन जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न सदन में गूंजेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लक्षित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमलावर रुख में नजर आएंगे। 2 अगस्त को शुरू होने जा रहा मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 10 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का लिया जायजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत 27 जुलाई को तोजिंग नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उदयपुर क्षेत्र की पटरी घाटी में फंसे लोगों में पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं, जिनमें से 178 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि 37 लोग जहलमा और 14 लोग कूड़ा और 15 शांशा में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग मंडी जोन में विभिन्न श्रेणी से भरेगा 970 पद। विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने मंडी जोन के चीफ इंजीनियर को इन पदों को भरने के लिए पत्र जारी कर दिया है। ये सभी पद सरकार की पैरावर्क रेटिंग के तहत मानदेय आधार पर भरे जाएंगे। इंजीनियर इन चीफ ने जारी इन पत्रों के अनुसार पैरा पंप ऑपरेटरों, पैरा सीटों और बहुदेशीय वर्करों के भी पद भरे जाने हैं। कांगड़ा जिला में 31 जुलाई को कोविड के 21 मामले, 2 लोग हुए स्वस्थ। कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 195। कांगड़ा जिला में 31 जुलाई को कोविड संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं और 2 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निकुल जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 195 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयाँ और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और सजग है। जमैका की इलेन थॉम्पसन हेरा ने महिलाओं के 100 मीटर फर्राटा दौड़ में फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर की 33 साल पुराने और अब तक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शनिवार को लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 10.61 सेकंड का समय लिया, जिस ग्रिफिथ जॉयनर के 1988 सियोल ओलंपिक में बनाए 10.62 सेकंड के रिकॉर्ड से बेहतर है। जमैका के दबदबे वाले इस स्पर्धा में थॉम्पसन हेरा ने अपनी हम बतन प्रतिद्वंदी शेली एंड फ्रेजर प्राइस को 0.13 सेकंड से अंतर से पछाड़ा। उनके देश की ही शेरिका जैक्सन ने 10.76 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। जिला ऊना के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध। बरसात के मौसम में सांप के काटने के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों और क्षेत्रीय अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करवा दिया है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि सांप के काटने से घाव हो जाता है और कई बार पीड़ित की मृत्यु भी हो जाती है। सांप के काटने के उपचार में जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा सहायता जल्द से जल्द प्रदान की जाए। जिलाऊना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने बसाले के पौधरोपण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने बसाल में पौधारोपण किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने कहा कि वन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना ने मिलकर बसाल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार पौधारोपण कार्यक्रम होता है, जिसमें न्यायिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए सभी आगे आएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। साफ सुथरा पर्यावरण ही सबसे बड़ी आवश्यकता है और पौधारोपण इसी दिशा में आगे बढ़ाया गया एक कदम है।
जिला ऊना में क्षय रोग उन्मूलन के लिए आम जनमानस की सहभागिता बेहद जरूरी। 1 से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में टीबी मुक्त हिमाचल अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला ऊना में स्वास्थ्य विभाग की 622 टीमों का गठन किया गया है, जो 1 अगस्त से घर घर जाकर क्षय रोग के संभावित मरीजों की खोज करेंगी। ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर से बलगम के सैंपल एकत्रित करके जांच करवाएंगी, ताकि क्षय रोग के संभावित मरीजों का पता लगाया जा सके। जिला बिलासपुर में 2 अगस्त को लगेंगे कोविड रोधी टीके। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि 2 अगस्त को जिले के विभिन्न स्थानों पर 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा, जिसका स्लॉट बुक करने का समय 12 से 21 दिन तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों, नागरिक चिकित्सालय बर्ठी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भूषा तलाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुहाड़, बनौल, कलोल, खेड़ी, ITI बर्ठी और स्वास्थ्य केंद्र धरार में कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।